नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है और उसका जो पेपर होने वाला है 2017 में, तो दोस्तों हम लोग उसके बारे में देखेंगे और दोस्तों हम लोग उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कैसा पैटर्न आएगा पेपर का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों आएंगे सब्जेक्ट हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश आ सकती है, दो सब्जेक्ट कॉमन होंगे इसमें से आप हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं, मैथमेटिक आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, सिविक्स आएगी और जनरल साइंस आएगी। तो सॉरी दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगी। तो दोस्तों ये सारे सब्जेक्टों से 100-100 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आएंगे, तो टोटल मार्क्स होंगे 30, जो टाइम ड्यूरेशन होगी 2 घंटा, मतलब 120 मिनट। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश से सिंगुलर और प्लूरल आ सकते हैं, जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर आ सकता है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉमन एरर्स, टेंसेस आएंगे, काइंड्स ऑफ टेंस एंड देयर यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैथ से। मैथ से नंबर सिस्टम, होल नंबर्स आ सकते हैं, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स आ सकते हैं, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट्स, क्यूब रूट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, अलजबरा से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री से बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मतलब 2D शेप जो होती हैं ज्योमेट्री में वो भी पूछी जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स आ सकते हैं, सिमेट्री और कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंसुरेशन से, डाटा हैंडलिंग है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी के सिलेबस में अलंकार रस आएंगे, पर्यायवाची, विलोम समास, संधियां आएंगी, तत्सम एंड तद्भव, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियां और मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, लिंग वचन और कारक, काल और वर्तनी त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कांस्टेबल का जो साइंस का सिलेबस उसमें क्या आ सकता है। चेंज ऑफ मैटर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, सॉइल, एसिड, बेस, साल्ट, द यूनिवर्स, फोर्स, मोशन, ये सब टॉपिक पूछे जाएंगे। वर्क एंड एनर्जी से आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, लाइट से क्वेश्चन बनते हैं, लाइट्स के बाद साउंड से क्वेश्चन, नेचुरल फिनोमिना से, नेचुरल रिसोर्सेस, सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के स्रोत से क्वेश्चन बनेंगे, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, रीजनल एंड नेशनल जो नेशनल चीज़ें होंगी उनसे क्वेश्चन, और पॉल्यूशन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी, एज ए साइंस, इससे आएंगे, प्लैनेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थ इन सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, ग्लोब से आएंगे, द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वायु से आ सकते हैं, पानी से आ सकते हैं क्वेश्चन, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, रिसोर्सेस टाइप्स नेचुरल एंड ह्यूमन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कृषि विज्ञान से। अब आता है दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन कि हिस्ट्री से क्या क्या आएगा। तो हिस्ट्री से दोस्तों द फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्ट एंड डिस्टेंस टू लैंड्स, अगला आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आ सकते हैं, कल्चर एंड साइंस से क्वेश्चन आएंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स से आएंगे, और दिल्ली की सल्तनत के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्किटेक्चर से भी आ सकते हैं, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, और सोशल चेंज से भी आ सकते हैं, रीजनल कल्चर से भी आ सकते हैं, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी से क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वुमेन एंड रिफॉर्म से, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम से आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से बनते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं सिविक्स से क्या क्या आएगा, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग ए लिविंग डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया,
unpacking gender, the constitution, the parliament government, the judiciary, social justice and the marginalized also. इससे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बनेंगे सिविक्स से. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा.